तो गाइस हम हमारी किस्मत पे हंसी आ रही है यार। अभी क्या हुआ कि जो ऑनलाइन ऑर्डर हमने किए थे ना, हमने 15 दिन पहले ही सिलेक्ट करके रख लिए थे कि ये मतलब मेरे लिए, पापा के लिए और खुशी के लिए, हम तीनों के लिए सिलेक्ट करके रखे थे। लेकिन आज फाइनली हम ऑर्डर करने के लिए आए। बहुत गंदी किस्मत है हमारी, लास्ट मोमेंट पे ही सारा प्लान खराब होता है। तो देखो मैं आपको डिटेल में बताती हूँ। मेरा लहंगा है ना, वो रिटर्नेबल ही नहीं है। मतलब 3,000 का लहंगा अगर नहीं हुआ रिटर्न, तो फिर अगर वो खराब आ गया, कहीं से फटा हुआ आ गया, तो फिर कैसे विश्वास करेंगे। और पापा पापा की तो डिलीवरी कैंसिल हो गई, खुशी के पीसेस ही नहीं बचे हैं। हे भगवान, ऐसा हमारे साथ ही क्यों होना होता है। मेरा सबसे अच्छा लहंगा था। नहीं, ये तेरा जोक था। मेरा था सबसे बेटर। मेरा सबसे अच्छा था, तभी तो पीसेस खत्म हो गए। ये बात भी है, किस्मत ही खराब है मेरी। जो मेरी क्या, हमारी तो। चले फिर शॉपिंग पे। तो गाइस फाइनली कल हम शॉपिंग पे जा रहे हैं ऑफलाइन, क्योंकि ऑनलाइन तो हमने पूरी सारे ऐप छान मारे लेकिन कोई सा अच्छा नहीं मिल रहा है। तो हम जा रहे हैं कल शॉपिंग पे। गुड मॉर्निंग। तो मैं यहाँ पर सर्दी में नहाकर अभी रेडी हो गई हूँ और यहाँ पर मैं कर रही हूँ प्रेस, क्योंकि सर्दियों में सबसे ज्यादा जिसमें मजा आता है वो है प्रेस में। मुझे प्रेस करना बहुत अच्छा लगता है। अभी हो रहे हैं, 1 मिनट रुक जा, गरम गरम दूंगी, आ जा इधर। मेरे तो एल लग गए। प्लग खुल गया। सुबह सुबह कोई कान धोने से रह नहीं सकता है। जल्दी जल्दी का काम शैतान का घर होता है, आज पता चल गया। पर कोई ना, जल्दी से अभी कर लेते हैं फटाफट प्रेस। कितनी मस्ती चल रही है अंदर। क्यों, क्या हो गया मम्मी? इस कपड़े तो हो गए, अभी मैं खुशी को देख रहा हूँ, क्योंकि आज सारी दुकानें बंद है तो शॉपिंग पे जा नहीं सकते हैं। देखते हैं क्या क्या करते हैं। गौर से देखिए इस इंसान को। इस इंसान की पिछले 6 दिनों से नियत लगी थी सोन पपड़ी के डब्बे पे। अरे नहीं, वो क्या हुआ ना कि मैं तो बस ये नमकीन लेने गई थी, पापा ने बोली नमकीन आज कम है, तू एक काम कर, तू अपनी जो भी फेवरेट चीज है ले जा। फिर मैंने सोचा कि कुछ ना हो तो सोन पपड़ी पर ही हाथ मार लिया जाए, तो मैं लेकर आ गई। और पापा जल्दी जल्दी बनाओ, क्या बना रही है आज, क्या स्पेशल है? आलू के पराठे। हाँ, पालक की सब्जी और रोटी। नहीं, आलू पालक की सब्जी तुम खा लेना, कुछ तो तुम्हारे लिए होना चाहिए ना। वो पालक की सब्जी और रोटी खाना, वो चीज हमारे लिए बन रही है केवल सिर्फ। बाय। हम आपको जम के ना सोन पपड़ी नहीं देंगे। हाँ, मैं भी नहीं दूंगी। हम साथ साथ है। पर तू भी मेरी सोन पपड़ी की बेइज्जती की ना, मैं भी नहीं दूंगी। हम साथ साथ है। देखो देखो देखो, इन लोगों को देखो, ये देखो अभी क्या बोल रहे थे, मैं नहीं खाऊंगा, ये नहीं खाऊंगा, ये क्या है, ये नमकीन ले लेके बैठे और खा रहे हैं। दिखाना जरूरी है क्या? दिखाना जरूरी है, अभी तो बोल रहे थे कि मेरे को आलू की सब्जी और पालक की सब्जी और रोटी मिलेंगी। हम कोपचे में इसीलिए खा रहे हैं कि तुम ना हो जाए, तुम जाओ। एक मिनट, अरे रुको, जो भी अभी देखा ना वो सब भूल जाओ। हाँ, मेरे पास यहाँ पे बटन है, सब भूल जाऊंगी। सुन, आज ना क्या करेंगे, आलू के पराठे इकट्ठे ले जाएंगे, 8-10 ले जाएंगे। हाँ। तो मैं और मम्मी ऊपर जाके थोड़ी थोड़ी धूप आ रही है, आज एंजॉय करेंगे। ओके चलो। हाँ। मम्मी को बता दे, मम्मी जल्दी आलू के पराठे बना लो, फिर उसके बाद अपन चलेंगे छत पर आने, पिकनिक मनाने। यस, उसके साथ होगी। पापा, पापा तो वो वोटिंग की देख रहे हैं ना, वोटिंग का रिजल्ट, क्योंकि आज आने वाला है वोटिंग का रिजल्ट। और हाँ, आज आने वाला है, तभी तो मम्मी मम्मी हम लोग। अरे सुनो, हम लोगों ने कल एक वीडियो देखी तो उसमें एक बंदा है ना, बहुत कॉमेडी थी कि जनता पार्टी फूल वाली हाथ वाली, मतलब ये जिनके साइन है वो सब इधर से उधर नींदा ले रही है, क्योंकि उनको रात में नींद ही नहीं आ रही थी क्योंकि आज था रिजल्ट इसीलिए। और गाइस, आज रिजल्ट के चक्कर में शॉपिंग के सारी, मतलब पूरा मार्केट बंद है, और आज संडे भी। मम्मी सीक्रेट जो तुमने नाम लिया, आज पट्टू लगेगी टू। अरे यार नहीं, ऐसा नहीं, मैं तो वैसा हूं। अरे दीदी, आप तो वैसे भी रिवील होने वाला है ना कि कौन जीतेगा, तो आप तो बता सकते हैं। हाँ, नहीं, जब जीत जाएगा उसके बाद बताएंगे, पर हम चेंज करने वाले नहीं है, क्योंकि तुम जो सोच रही हो ना उसी की है। पर नाम मत लेना मम्मी, नाम नहीं लेना। अगर है ना कि तुम सोन पपड़ी का डिब्बा लेके आई हो ना, तो अगर अपनी टीम जीती तो सोन पपड़ी का डिब्बा खाएंगे, नहीं तो नहीं खाएंगे। ये क्या है? नहीं 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 मम्मी, ऐसा बनना चाहिए।
जीतने का मजा आएगा ना। और चलो चलो ठीक है जवान दिए मम्मी दीदी का सोन पापड़ी का डब्बा दाव पे लग रहा है। मम्मी ऐसा नहीं होता है, ये तो चीटिंग है। तो भगवान को मनाओ, भगवान हमारी वाली पार्टी। चलो दीदी पे पूजा करने चलते हैं। चलो जयत जय भगवान हमारी। मन में छोड़ो, तुमने तो दिमाग पे ही दे दी यार मेरे। दीदी मैंने तो नमकीन खाया है, तू भगवान से बोल दे। हाँ भगवान जी जो जनता की सेवा करे और जो पूरी दुनिया का भला करे उसको जितवाना प्लीज। और मेरी सोन पपड़ी भी, क्योंकि वो दाव पे लगी है तो उसको मैं जब तक ना छूंगी ना कुछ भी नहीं करूंगी जब तक आज का रिजल्ट नहीं आता है। और आज का रिजल्ट आने वाला है 1 बजे। जब तक के लिए आप मेरी सोन पपड़ी खा लीजिए, फिर मैं थोड़ी देर बाद आके खाऊंगी, ठीक है? अगर पार्टी जीत गई तो। ओके गाइस, मम्मी बोल रही हैं कि आज जो जनता पार्टी है ना, जो जिनका रिजल्ट है तुलसी का है। तो गाइस मम्मी बोल रही हैं कि जो जनता पार्टी है, जिन जिन के लिए वोट दिए हैं, वो सब लोग आज की नींद, आज की चैन सब छोड़ो, लेकिन आज मंदिर में से उठ भी नहीं रहे होंगे। दीदी पता पड़े वो बागेश्वर, अरे मम्मी पता पड़े वो बागेश्वर धाम वाले बाबा के पास कोई से नेता बैठे है और कह रहे भगवान जी उपाय बता दो। अच्छा अच्छा, एक तुलसी तोड़ लूं। तो गाइस पापा और दादी जी का नाश्ता बन गया है। अभी वो पराठे आलू के नहीं खाएंगे क्योंकि कल ही पालक के खाए ना, तो वो उनको थोड़ा सा जमा नहीं, इसीलिए उन्होंने वो दी पोहे खा लेंगे। तो यहाँ पर खुशी सर्विंग कर रही है। मम्मी तुम क्या कर रही हो? क्यों खाने के लिए? तुम भी खाओगी? मम्मी तुम नहीं खाओ, मतलब तुम भी खाओगी? अच्छा टेस्ट करना है, मतलब कैसे बने वगैरह वगैरह। अरे ये तो मिला जो तुम्हारे बल पे। बाय बाय। तो गाइस मैं दिल्ली जा रही हूँ, लो भाग। अरे वाह यहीं आ गए, गिर जाएंगे। और सोन पपड़ी पापा थोड़ी देर बाद में लेके, अभी सोन पपड़ी दाव पे लगी है। गांव में दाव पे, दाव पे कैसे अभी कौन जीतेगा ना? अच्छा बढ़िया है ना। तो आज बड़ी मुश्किल से हेल्पर आया है, काम चोर हेल्पर। आज बड़ी मुश्किल से हाथ पड़ा, ऐसे नहीं काटो जरा इसको काट के। अगर ऐसे करोगी ना तो आपको आपकी नानी नहीं पर नानी याद आ जाएगी। मैंने सोचा कि मम्मी की थोड़ी सी हेल्प करनी चाहिए, तो मैं यहां पर बैठ के पूरी हेल्प करो। आज मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है कि एक जनी देख और काट जोड़ती धनिया काट ले तब अच्छे से बड़ा खाओ। मैंने सोचा दीदी ऐसी कैसी है करना जो काम आपने जिंदगी में कभी नहीं किया। अरे पहले जे ये समेत पिसती है। अरे वाह दीदी वाह, उसने पूरी एक मिर्ची पीस दी। अरे यार नहीं देखो क्या है ना दीदी, मैं पूरे पन... तो पता पड़ेगी कि सब्जी बनती कैसे। नहीं खेलती तो ऐसे है, अब बनती कैसे है वो आपको भी पता चल रहा होगा। वो ज्योति तुझे धनिया की चटनी पीसना आता है? अभी देख देख के तो थोड़ा बहुत यार रात भर चला ही लेते हैं। अब तो जो देखते देखते मैं सीख जाऊंगी। हाँ ऐसा ही तो चलता है यार, पता है हमारे घर में किसी ने किसी को सिखाया नहीं है, तो मम्मी का देख देख के मैं सीख गई और मेरा देख देख के खुद सीख गई। और भैया तो बाय बर्थ ही है, सच में बाय बर्थ है। दीदी दूर से देखा, क्या बात है क्या बात है, दूर से देखा तो मधु कपड़े सुखा रही थी। क्या बात है, जाके देखा तो गाय पूछ ला रही थी। हाले है बेहाल का, कैसा है जनाब। तो गाइस पराठे बन गए हैं, मम्मी ने पराठा गैया का, मैं तो ना खिलाऊंगा आज। ओके तो गाइस मैं गैया को पराठा खिलाने जा रही हूँ, वैसे हर बार पापा ही खिलाते हैं लेकिन इस बार मैं खिला रही हूँ, अभी बस गैया मिल जाए क्योंकि आजकल बहुत डिमांड में है गैया। अरे यार गैया तो है ही नहीं, गैया तो है ही नहीं यार। मम भगवान के लिए बन गया क्या? दे दो भगवान जी के लिए भोग, जिसमें है आलू की सब्जी, आलू पालक की सब्जी, शक्कर और आलू का पराठा। तीन चीजें हैं जिससे भगवान जी खुश हो जाते हैं खाना खाते ही। पापा कौन जीत गया? देवेंद्र। देवेंद्र कौन? देवेंद्र जनता पार्टी फूल। क्या सब जगह
सब जगह आइए अपनी जनता पार्टी सब जाइए मेरा जनता पैदा हो तो मेरा भी मैं तो अपनी पूरी फैमिली की तरफ से सिर्फ फूल को ही गया था सबने फूल को दिया मौन होकर मौन फूल पे ही था भैया होता सच में भैया भी फूल को ही देता और दादाजी को मिलाकर तो सच में ही गए हैं वाह यार वाह 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 तो चलो फटाफट से भगवान जी से अपनी सोन पपड़ी मांगते हैं और खाते हैं भगवान जी सोन पपड़ी वादा किया था ना आपने भगवान ने वादा किया था भगवान ने वो पूरा भी किया है चलो अच्छी बात है मम्मी अरे वाह यार मम्मी कांग्रेस जीत गई अरे कांग्रेस नहीं बीजेपी सॉरी मैं तो कांग्रेस तुम्हें कैसे पता मतलब तो यार सबसे पीछे मैं ही रहती हूँ मुझे ही कुछ पता नहीं रहता है हाँ मतलब जीत गई नहीं लाई तो मेरा पाना नहीं धनिया की चटनी से ही खाएंगे क्या करूँ बीजेपी जीत गई आहा पापा को मीमू मीठा करा दिया छत पर आ गए और पराठे भी बना लिए पर फील नहीं आ रहा है पिकनिक का तो मतलब फील के लिए हमने क्या किया है न्यूज़पेपर में पराठे और उसके ऊपर चटनी रख कर खाएंगे क्यों मम्मी आ रहा है ना फील मतलब संडे का फील आ रहा है मस्त फन हो रहा है अच्छा लग रहा है ना और ट्रेन में भी ऐसा ही होता है कि दो दो समोसे दे देते हैं और एक न्यूज़पेपर में दो दो समोसे दे देते हैं तो बस और वो टाइम भी आने ही वाला है बहुत जल्द क्योंकि शादी आने वाली है हमारे भाई की और हम ट्रेन में सफर करेंगे ऐसा लग रहा है मम्मी बाजरा दा रोटला और ऊपर उसकी चटनी हाँ वो सरसों की चटनी हाँ सरसों दा साग क्या ना इसको कहाँ रखूँ अच्छा है कैसा मजेदार तो गाइस हमारा जो ग्रेट फन था संडे का और जो ऊपर इतने अच्छे से चल रहा था उसको छोड़ के हमको जल्दी इसीलिए आना पड़ा क्योंकि गाड़ी के लिए ग्राहक आ गया था एक तो अब वो डिसाइड हो गया है कि 90% है वो लेंगे और 10% है कि वो अपने बच्चे को दिखाकर फिर भी लेंगे तो बस वो उनका बच्चा देखने आ रहा है लेकिन उससे पहले हमको आरओ अंकल को फ़ोन लगाना है क्योंकि हमारा आरओ भी ख़राब हो गया मतलब इतनी प्रॉब्लम तो सिर्फ जेठालाल की ज़िंदगी में आती है मेरी भी जिंदगी में सेम यही हो रहा है आजकल है ना सच्ची बात है ना छोड़ो चलो उसको छोड़ के और हम जाते हैं शॉर्ट वीडियो बनाने के लिए जो कि फूल जीता है यार पार्टी तो इसी बात पे पानी कुछ ही बटन दबाना नीचे अंकल ने तो आज प्यासा मार दिया आपसे बोला था ना अंकल के जल्दी आ जाया करो संडे की छुट्टी रहती है तो आ ही गया मैं आना नहीं था आज हाँ ये खराब हो गया था क्या पिछली बार मैं बता दिया अच्छा अच्छा तो चला भी ज्यादा चला भी नहीं मेरे दिल हमने तो साफ भी किया था फिर भी वो उतना हाँ बाहर वाला तो हमने किया था परसों ही किया था हाँ हाँ ओके थैंक यू तो फाइनली गाइस चेंज हो गया है अभी प्यासे तो नहीं रहेंगे मतलब क्या सुबह से ऐसा गला सूख रहा है इतना प्यास लग रही है बहुत ज़्यादा ही हाँ ए बारिश हो गई अरे वाह यार मैं एक घंटा सोई उसमें कितनी सारी चीज़ें हो गई देखो मैं सोई उसमें मम्मी सोकर उठ गई फिर उसके बाद बारिश हो गई फिर अंकल आके उनने सही भी कर दी और फिर वो चले भी गए वाह यार बड़ी अच्छी चीज़ है पीछे पीछे पैर पैर